हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग की एमआरएस अकाउंटेंट की क्लासेस चल रही थी, मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, उसकी तैयारी मैं आप लोगों को करा दी थी। जिसमें आपका अकाउंट से रिलेटेड पोर्शन आना है, जिसमें अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जो आपका इनकम टैक्स है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे उसकी प्रिपरेशन मैं करा रही थी। तो आज की वीडियो में उसी में आगे आप पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पोर्शन, जिसमें आप पढ़ेंगे लीवरेज के बारे में कि उत्तोलन क्या होता है। इस रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लीवरेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं या कुछ न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपके थ्योरी क्वेश्चन भी रहेगा और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी रहेंगे। पहले वीडियो को शुरू करते हैं। ये शुरू करने से पहले आप लोग देखते हैं, लाइक नहीं करते तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। आप लोग के एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियोज आप लोग के लिए लाने के लिए। और सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो पहले समझ लेते हैं कि लीवरेज होता है क्या है, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लीवरेज, वैसे तो आपने लीवर से बना है, लीवरेज शब्द ही है। तो लीवर क्या होता है? साइंस की भाषा में तो आप जानते होंगे कि किसी भी जो तो बहुत ज्यादा वेट है, कोई भारी सामान है, उसको उठाने के लिए लीवर का यूज किया जाता है, जिससे कि हम आसानी से कम पावर का यूज करके उस चीज को उठा सकें। लेकिन जब बात हम करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, किसी बिजनेस के लिए एक लीवरेज की, तो वो क्या हो जाता है? आपको पता होगा कि आप कोई भी बिजनेस की, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो कैपिटल हम लगाते हैं, क्योंकि इससे पहले जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वीडियोस मैंने अपलोड करी थी वहाँ पर आप लोग को अच्छे से समझाया हुआ था कि जो कैपिटल होती है उसमें किस किस तरह की चीज़ें इंक्लूड होती हैं, या किस कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मिला करके हम अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर को तैयार कर सकते हैं। तो उसमें दो तरह की रहती है पूंजी। एक आपकी हो जाती है जो स्थिर प्रत्यय दर वाली होती है, जैसे कि आप कह सकते हैं फिक्स रिटर्न रेट वाली, और दूसरी हो जाती है अस्थायी वाली। यहाँ पर आपका फिक्स्ड नहीं रहता है, जैसा आपका प्रॉफिट होता है उसी के अकॉर्डिंग आप रिटर्न भी देते हैं, या उसी के अकॉर्डिंग रिटर्न की रेट रहती है आपकी। वहाँ पर जो स्थिर वाली होती है, जैसे कि जो डिबेंचर्स होते हैं उस पर आप इंटरेस्ट देते हैं, तो इंटरेस्ट क्या रहता है? फिक्स्ड रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। इंटरेस्ट की रेट आपका फिक्स रहेगा, कितने रेट पर आपको डिबेंचर को देना है। लेकिन डिविडेंड जो रेट होता है उसमें आपके चेंजेस होते रहते हैं। तो यहाँ पर इन्हीं दोनों पूंजियों में किस तरह की पूंजी जो होगी वो इम्पोर्टेंट होगी, या कितना हम डिबेंचर्स को रख सकते हैं, कितने नहीं रख सकते हैं, उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारे बिजनेस पर, और जो अंशधारी होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी इनकम पर। उसी को मापा जाता है इसमें, जो आपका क्या कहलाता है? लीवरेज कहलाता है, उत्तोलक कहलाता है। अगर एक डिफिनेशन की हम बात करें कि क्या होती है, तो डिफिनेशन अगर हम आपकी हो जाएगी कि उत्तोलक को समता पर प्रतिशत प्रत्यय और पूंजीकरण पर प्रतिशत प्रत्यय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बहुत सिंपल सी डिफिनेशन है ये आपकी। लीवरेज जो होता है वो आपका तीन टाइप्स का रहता है। एक हो जाता है ऑपरेटिंग लीवरेज, जो आपका हो जाता है परिचालन उत्तोलक। दूसरा हो जाता है फाइनेंशियल लीवरेज, जो आपका वित्तीय उत्तोलक होता है। और तीसरा हो जाता है कंबाइंड लीवरेज, यानी कि संयुक्त उत्तोलक। जब आप फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग लीवरेज निकाल लेते हैं तो उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या निकल आता है? जो आपका कंबाइंड लीवरेज होता है वो निकल आता है। जो ऑपरेटिंग लीवरेज होता है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? उसका फॉर्मूला निकालने का होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको कि आप ईबीआईटी बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जो आपका कंट्रीब्यूशन होता है उसमें क्या चीज़ें ऐड होती हैं? कंट्रीब्यूशन में दो तरह की चीज़ें ऐड रहती हैं। एक हो जाता है आपका प्रॉफिट और दूसरा हो जाता है फिक्स्ड, जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट आती है, उन दोनों को ऐड करके बनाया जाता है। एक जो आपकी कॉस्ट शीट पूरी होती है, एक चलिए क्विकली देख लेते हैं। एक वेरिएबल एक्सपेंसेस आपके आ जाते हैं, फिक्स्ड आ जाते हैं, उसमें आप अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं, टोटल आपकी सेल निकल के आ जाती है। तो जो वेरिएबल और फिक्स्ड है वो कॉस्ट हो जाती है टोटल, और प्रॉफिट ऐड हुआ फिर आपकी सेल निकल आई। लेकिन जब कंट्रीब्यूशन हम निकालते हैं तो सेल में से हम वेरिएबल जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको हटा देते हैं, उसके बाद जो दोनों चीज़ें बचती हैं वो हमारी कंट्रीब्यूशन हो जाती हैं। तो कंट्रीब्यूशन में क्या दो चीज़ें ऐड हो गई? फिक्स्ड एक्सपेंसेस ऐड हो गए और प्रॉफिट ऐड हो गया। उस दोनों से मिलकर के कंट्रीब्यूशन बनता है। हो सकता है एग्जाम में आपके खाली इतना ही पूछ ले कि अंशदान क्या होता है, तो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है कि जो प्रॉफिट और जो आपकी स्थिर व्यय होते हैं, फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं, उन दोनों को ऐड करने पर कंट्रीब्यूशन निकल के आता है। वो हो जा इसी से आपका ये फॉर्मूला बन जाता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। वो हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला। फिर आ जाता है आपका फाइनेंशियल लीवरेज, यानी कि वित्तीय उत्तोलक। वित्तीय उत्तोलक क्या होता है? उसका जो निकालने का मेन फॉर्मूला रहेगा, क्योंकि आप लोग के ऑब्जेक्टिव बेसिक क्वेश्चन आने हैं तो उसी पॉइंट टू पॉइंट हम उसको समझते चलें, वही इंपॉर्टेंट है। वित्तीय उत्तोलन निकालने का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। यहाँ पर ईबीआईटी वही अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स रहेगा, वो ऊपर चला जाता है, अपॉन में आ जाता है ईबीटी।
ईबीटी क्या हो जाता है, अर्निंग बिफोर टैक्स। जब हम कंट्रीब्यूशन में से फिक्स एक्सपेंसेस को लेस करते हैं तो आपका प्रॉफिट निकल करके आता है, वही प्रॉफिट क्या हो जाता है, उसे ही हम ईबीआईटी भी कहते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसी में से जब हम इंटरेस्ट को लेस कर देते हैं, जो आपका डिवेंचर का इंटरेस्ट होगा उसको जब हम लेस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आता है, ईबीटी यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स। तो यही चीज आपकी फाइनेंशियल लिवरेज जो है उसमें यूज की जाएगी, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। और कंबाइंड लिवरेज निकालने के लिए दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। आइए क्वेश्चन को देखते हैं जो इससे रिलेटेड आ सकते हैं आपके एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है, सेफ उत्तोलक का सूत्र है द फॉर्मूलाज ऑफ कंबाइंड लिवरेज इज। पहले ही आपको क्वेश्चन यहीं से बन गया कि जो फॉर्मूले से रिलेटेड है, तो फॉर्मूले मैंने अभी आपको बता दिए थे, उसको नोट कर लीजिएगा। ए ऑप्शन में है सी अपॉन ई बी टी, बी है सी अपॉन ई टी बी, सी हो जाएगा सी अपॉन टी ई बी और डी हो जाएगा ई बी टी अपॉन सी। तो क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब आप दोनों फार्मूले को साथ में रखेंगे तो पहला फार्मूला जो आपका ऑपरेटिंग एवरेज का बनेगा हो जाएगा कंट्रीब्यूशन अपॉन ई बी आई टी, और इनटू हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनटू हो जाएगा ई बी आई टी अपॉन ई बी टी। ई बी आई टी और ई बी आई टी क्या होगा, आपस में कट जाएगा। अब क्या बचेगा आपके पास, कंट्रीब्यूशन अपॉन ई बी टी, यही फार्मूला हो जाएगा आपका जो कंबाइंड लिवरेज है उसका। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। थोड़ा सा कन्फ्यूज करने के लिए आपको इस आंसर दे रखा था, अगर आपको सारे फार्मूलाज पता है तो आप आसानी से उसे निकाल लेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि परिचालन उत्तोलक 2 है, बिक्री 20% बढ़ जाती है तो ईबीआईटी में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। इफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज 2 देन व्हाट परसेंटेज विल ईबीआईटी इंक्रीजेस इफ सेल्स इंक्रीज बाय 20%। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अगर आपका ऑपरेटिंग लिवरेज जो है वो 2 है, मतलब निकाल के बताया हुआ है कि ऑपरेटिंग लिवरेज निकल के 2 आएगा, लेकिन जो सेल है यहाँ पर वो 20% से बढ़ जा रही है, तो वहाँ पर जो आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आएगा उसमें कितने परसेंट की वृद्धि होगी या कितने परसेंट से वो बढ़ जाएगा। तो इसको निकालने का एक आपका फॉर्मूला रहता है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ऑपरेटिंग लिवरेज की डिग्री जो होती है उसको निकालने का जो आपका फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू हो जाएगा परसेंट चेंजेस इन ई बी आई टी अपॉन परसेंट चेंज इन सेल्स। तो सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, आपका 2/1 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 20, क्योंकि 20% सेल दे रखी थी तो एक्स अपॉन 20% हो जाएगा, एक्स बाहर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 20 × 2 हो जाएगा, तो कितना आएगा आपका 40% आ जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ईबीआईटी में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 40% वृद्धि होगी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिचालन उत्तोलक के मापन का सूत्र है द मेजरमेंट ऑफ ऑपरेटिंग इज बीइंग मेड बाय। ईबीआईटी अपॉन सी, पीबीटी अपॉन ईबीआईटी, सी अपॉन ईबीआईटी, नन ऑफ दी। तो ऑपरेटिंग लिवरेज का वह फार्मूला भी मैंने आपको बताया ही था कि क्या होता है, कंफ्यूज ना होइएगा कि ईबीआईटी ऊपर कर दीजिए आपको, कंट्रीब्यूशन नीचे कर दीजिए, यहाँ पर सी ऊपर हो जाता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी होता है। एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। डायरेक्टली आपको फुल फॉर्म भी बता सकता है, सी से कंट्रीब्यूशन लिखा हो सकता है, अपॉन में हो जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो यहाँ पर भी ध्यान में रखिएगा सी फुल फॉर्म को भी। एक आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक लिवरेज एवं वित्तीय लिवरेज दोनों को रखना कितना हानिकारक है। इट इज रिस्की टू हैव बोथ ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज। यहाँ पर जो आपका ऑपरेटिंग लिवरेज, जिसे आप परिचालन लिवरेज भी कहते हैं, तो क्रियात्मक लिवरेज भी बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा। उच्च सीमा पर हाई लेवल, कम सीमा पर लो लेवल, सामान्य सीमा पर नॉर्मल लेवल, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोनों अगर लिवरेज हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है या खतरनाक कौन सा हो सकता है, कौन नहीं होगा, कितने लेवल पर रहता है, तो आपका क्या हो जाएगा, उच्च सीमा पर, दोनों में ही क्या रहता है, ज़्यादा रिस्क रहता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन ये आता है कि दोनों ही लिवरेज अगर हैं तो क्यों वो ज़्यादा हाई लेवल रिस्क रहता है वहाँ पर। तो जो आपका क्रियात्मक लिवरेज है, ऑपरेटिंग लिवरेज है, वो किस चीज़ को दिखाएगा, जो व्यवसायिक जोखिम होते हैं, बिजनेस रिस्क होते हैं, उसको इंडिकेट करता है। और जो आपका वित्तीय लिवरेज होता है, फाइनेंशियल लिवरेज होगा, वो वित्तीय जोखिम जो होते हैं, जो फाइनेंशियल रिस्क होते हैं, उनको वृद्धि करता है उनमें, उनको दिखाता है। तो दोनों ही लिवरेज होंगे किसी भी संस्था में तो क्या करते हैं, वो हाई लेवल रिस्क की तरफ इंडिकेट करते हैं, उसकी तरफ संस्था को लेके जाते हैं। तो यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय उत्तोलक के मापन का सूत्र है द मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इज बीइंग मेड बाय। ईबीआईटी अपॉन सी, सी अपॉन ईबीआईटी, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, नन ऑफ सी।
तो कुछ कह रहा है जो फाइनेंशियल लिवरेज है उसका क्या फॉर्मूला होता है, फिर मैंने आपको बताया ही था कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन अर्निंग बिफोर टैक्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि जो इंटरेस्ट या टैक्स घटाने से पहले की जो अर्निंग है वो और या फिर जो ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स, यानी कि जो सिर्फ टैक्स के पहले की, उसमें इंटरेस्ट आपका लेस हो चुका होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशदान परिचालन लाभ सूत्र है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज द फॉर्मूला। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो आपका अंशदान और अपॉन में क्या है परिचालन लाभ दे रखा है, ये किसका फॉर्मूला होगा, वित्तीय उत्तोलक का, फाइनेंशियल लिवरेज, परिचालन उत्तोलक का, ऑपरेटिंग लिवरेज, संयुक्त उत्तोलक का, कंबाइंड लिवरेज, नन ऑफ दी। ये फॉर्मूला किसका है, तो कंट्रीब्यूशन सी अपॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी कि ईबीआईटी को ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला जाता है, ये किसका फॉर्मूला था, ये ऑपरेटिंग लिवरेज का था। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित उत्तोलक की मात्रा का सूत्र है, द फॉर्मूला ऑफ डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। यहाँ पर कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला आपसे पूछा है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर सिर्फ आपसे फॉर्मूला उसको डायरेक्टली नहीं पूछा है, यहाँ पर डिग्री भी पूछी है। तो डिग्री क्या होगी कंबाइंड लिवरेज की, सी अपॉन ई बी आई टी, परसेंट चेंज इन ई बी आई टी अपॉन परसेंट चेंज इन सेल, परसेंट चेंज इन ई पी एस अपॉन परसेंट चेंज इन सेल, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो अभी ऐसा ही एक न्यूमेरिकल मैंने आपको सॉल्व करवाया था, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी डिग्री की बात की जाए तो वहाँ पर आपका परसेंट साथ में लगा रहता है, तो आपका जो ऑप्शन ए है वो तो बाहर हो जाएगा। साथ में जो आपका जो यहाँ पर कंबाइंड लिवरेज हम निकाल रहे होते हैं, तो फॉर्मूला उसका होता है परसेंट चेंज इन ई पी एस अपॉन परसेंट चेंज इन सेल, यानी कि अर्निंग पर शेयर में जो चेंजेस आते हैं उसको आप डिवाइड करेंगे जो चेंजेस आ रहे हैं सेल में उससे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिचालन लिवरेज प्रभावित होता है ऑपरेटिंग लिवरेज इफेक्टेड बाय, किससे प्रभावित होगा, स्थिर लागतों से, फिक्स कॉस्ट, प्रत्यक्षशील लागतों से, वेरिएबल कॉस्ट, प्रति इकाई बिक्री मूल्य से या मात्रा से, पर यूनिट सेलिंग प्राइस और सेल वैल्यू, उपरोक्त सभी से, ऑल द अबव। तो जो ऑपरेटिंग लिवरेज है वो किससे प्रभावित होता है, तो ये चैप्टर में भी हम किसकी बात कर रहे थे, पहला तो आपका जो फिक्स कॉस्ट है उससे तो होगा ही होगा, स्थिर व्यय से प्रभावित होगा, जो वेरिएबल कॉस्ट होती है उससे भी इफेक्ट होगा, क्योंकि आप कंट्रीब्यूशन निकालते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट जितनी ज़्यादा होगी आपका कंट्रीब्यूशन कम आएगा, वेरिएबल कॉस्ट कम होगी तो कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आएगा, पर यूनिट सेल में जो चेंजेस हों, पर यूनिट सेल्स में जो आपके चेंजेस होंगे वो भी इफेक्ट करेंगे, तो इन तीनों चीज़ों से ये प्रभावित होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवरेज का अर्थ है, लीवरेज मीन गाड़ी का गियर बॉक्स, गियर बॉक्स ऑफ ए कार, पूंजी ढांचा, कैपिटल स्ट्रक्चर, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस। काफी अच्छा क्वेश्चन है कि लीवरेज क्या होता है, तो लीवरेज का क्या अर्थ होगा या किससे रिलेटेड होगा, तो आपको मुझे इसका आंसर कमेंट करिए, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को दोबारा शामिल करूंगी, उसमें आपको उसका करेक्ट आंसर बताऊंगी। लिवरेज आपको जितने अच्छे समझ में आ गया होगा तो आप आंसर भी ढूंढ लेंगे, ऐसे कंफ्यूजन दो ही चीज़ों में रहेगी आपको, ए और सी आपको पता ही होगा कि नहीं है, बी और डी में आप कंफ्यूज होंगे कि लिवरेज क्या होता है, यहाँ पर मुझे आप इसका आंसर कमेंट करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये आपके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, बिक्री 4 लाख रुपये है, प्रयत्नशील लागत 2,80,000 रुपये है, स्थायी लागत 80,000 रुपये है, परिचालन लिवरेज होगा सेल्स रुपीज 4 लाख, वेरिएबल कॉस्ट रुपीज 2,80,000 एंड फिक्स्ड कॉस्ट रुपीज 80,000, ऑपरेटिंग लिवरेज विल बी 3,542। यहाँ पर सीधे सीधे आपको फॉर्मूले में रख करके सॉल्व कर देना है। निकालने के लिए ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन यहाँ पर निकालना पड़ेगा आपको, कैसे निकालेंगे, सेल दे रखी थी तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट होती है उसको लेस कर दीजिए, आपका आ जाएगा कंट्रीब्यूशन 4 लाख में से 2,80,000 लेस करेंगे तो कितना आएगा कंट्रीब्यूशन हमारा, 1,20,000। अब हमें क्या चाहिए है, ईबीआईटी निकालना है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो कंट्रीब्यूशन में से जो आपकी फिक्स कॉस्ट दे रखी है उसको हम लेस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा, वही प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ईबीआईटी होगा हमारा। तो 1,20,000 में से 80,000 लेस करिए कितना आएगा, 40,000 बचेगा, 40,000 हमारा ईबीआईटी हो जाएगा। आप फॉर्मूले में रख देंगे 1,20,000 अपॉन 40,000, डिवाइड करिएगा कितना आ जाएगा 3, ये 3 ही आपका क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग लिवरेज हो जाएगा। तो एक आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर आपको फॉर्मूला लर्न होंगे, याद होंगे, तो आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बिक्री 4 लाख रुपए है, प्रयत्नशील लागत 2,80,000 रुपए है, स्थिर लागत 80,000 रुपए है,
ऋण 10% ब्याज पर 2 लाख रुपए से लिवरेज होगा। देखिए सेम वही क्वेश्चन है जो अभी आपने प्रीवियस में लगाया है, बस यहाँ पर क्या पूछा है आपसे, कंबाइंड लिवरेज पूछ लिया है। तो एक तो इसको निकालेंगे दो तरीके हैं, या तो फिर आप दोनों का फॉर्मूला लिख दीजिए, जैसे कि अभी ईबीआईडी आपको क्रॉस हो जाएगा, सिर्फ आपका कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी बचेगा, वैसे निकाल सकते हैं। या फिर आपने ऑपरेटिंग लिवरेज जो पहले ही क्वेश्चन में निकाल लिया है, फाइनेंशियल लिवरेज निकाल लीजिए, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी 40,000 का ईबीआईटी था, और ईबीटी निकालने के लिए क्या करेंगे, 10% का जो इंटरेस्ट दे रखा है 2 लाख रुपए पर, 2 लाख का 10% निकालेंगे 20,000 आएगा, ईबीआईटी में से हम वो 20,000 को लेस कर देंगे तो अब हमारा क्या बचेगा, ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आएगा, 20,000 आ जाएगा, डिवाइड कर दीजिए आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब ये हो गया हमारा फाइनेंशियल लिवरेज। अब कंबाइंड लिवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ऑपरेटिंग लिवरेज था उसको हम जो फाइनेंशियल लिवरेज है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2 हो जाएगा, कितना आएगा 6, और 6 ही क्या हो जाएगा हमारा, कंबाइंड लिवरेज हो जाएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यदि परिचालन उत्तोलक 3.5 है, बिक्री 10% से बढ़ जाती है, तो ब्याज और कर से पूर्व आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज 3.5, बाय व्हाट परसेंटेज विल ईबीआईटी इंक्रीज इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय 10%, 0.35%, 10%, 35%, नन ऑफ दीज। ऐसा ही एक क्वेश्चन अभी मैंने आप लोगों को कराया हुआ है। यहाँ पर क्या करना है, आपको डिग्री दे रखी है कहाँ से, उसमें आपको क्योंकि परसेंट में दे रखा है, तो उसे कैसे निकालेंगे हम, जो ऑपरेटिंग लिवरेज है उसे एक साइड में रखिएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो आपका परसेंट चेंज इन ईबीआईटी अकाउंट परसेंट चेंज इन सेल हो जाएगा। सेल दे रखिए 10% की, कॉस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3.5 × 10% हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 35% आ जाएगा। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मिश्रित उत्तोलक 4 है, तो बिक्री में 6% की वृद्धि होने पर कर योग्य आय में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। इफ कंपोजिट लिवरेज इज 4, देन बाय व्हाट परसेंटेज विल टैक्सेबल इनकम इंक्रीज इफ सेल्स इंक्रीज बाय 6%, 4%, 6%, 24%, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपका कंबाइंड जो कंपोजिट लिवरेज है वो 4 दे रखा है, बिक्री 6% की है, तो यहाँ पर इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम वही फॉर्मूला लगेगा, वैसे ही यहाँ पर भी निकाला जाएगा। तो उसको आप आंसर मुझे कमेंट करिएगा कि कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस कितने बच्चों का करेक्ट आंसर आता है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं क्वेश्चन सॉल्व क्या करिए, कमेंट क्या करिए मुझे। तो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।